हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसे ट्रिक्स जो आपके कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देगी. ओके, आज हम करेंगे नंबर्स का स्क्वायर किस तरीके से आप फाइंड करते हो विद इन 2 सेकेंड्स. ओके, पहले हम उन नंबर्स का स्क्वायर करना सीखेंगे जिनके एंडिंग में 5 आता है. ओके, नाउ सपोज वी हैव 15. ओके, जिसके यूनिट डिजिट में 5 है, ऐसे नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है. ओके, पहले जो यूनिट डिजिट में नंबर है उसका आप स्क्वायर कर लीजिए. 5 5 20 25. ओके, अब ये जो इसका नेक्स्ट डिजिट है 1 1 के जो नेक्स्ट नंबर आता है उससे 1 की मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए. 1 के नेक्स्ट क्या आता है 2 2 इंटू 1 क्या हो गया 2. ओके, नाउ नेक्स्ट वन सपोज 25 25 का स्क्वायर करने पे पहले यूनिट डिजिट में जो नंबर है उसका स्क्वायर 5 5 20 25. ओके, 2 2 के नेक्स्ट क्या आता है 3 2 इंटू 3 कितना हो गया 6. ओके, 35 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 सॉरी 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25. 3 के नेक्स्ट क्या आता है 4 3 4 ज़ा 12. 45. इस तरीके से आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये ट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है. आप इस तरीके से कितने भी नंबर्स का आप क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, लाइक 55 हो गया आपका, 55 का स्क्वायर निकालना है. 5 5 ज़ा 25. 5 के नेक्स्ट क्या आता है 5 6 ज़ा 30. ओके, नाउ सपोज थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं. सपोज आप ले लो 105 का स्क्वायर निकालना है आपको. ठीक है, 5 5 ज़ा 25 110 इंटू 11 कितना होता है 110 हो गया. ओके, इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करके निकाल सकते हो. सपोज आपका 95 का 5 5 ज़ा 25. ठीक है, 9 के नेक्स्ट क्या आता है 10 9 10 ज़ा 90. ओके, नाउ नेक्स्ट वन आता है आपका, सेकंड ट्रिक आती है कि कोई सा भी नंबर ले लो उसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर? सपोज आपके पास है 42 नंबर का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है. ओके, तो आप पहले इसका भी स्क्वायर निकाल लीजिए. 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 हो गया. ठीक है, और इसका भी स्क्वायर कितना हो गया 4 4 ज़ा 16. लेकिन यहाँ 2 2 ज़ा 4 है, इसको आप 4 नहीं लिखेंगे, इसको आप 2 डिजिट में बना के लिखोगे 0 4. ओके, अगर 1 डिजिट में आंसर आ रहा है तो आप इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करोगे 0 4 लिख के. ओके, अब फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये जो 3 नंबर है 4 2 और जो स्क्वायर वाला है, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करवा देनी है. 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16. और आपको यूनिट डिजिट छोड़ के फिर ये नंबर लिखना है और इनको ऐड करवा देना है. 4 6 6 प्लस 1 7 और आपका 1 हो गया, ये निकल गया स्क्वायर. सी द नेक्स्ट वन, 50. सपोज आपको 57 का स्क्वायर निकालना है. ठीक है, दोनों का लिख दो, 7 7 ज़ा 49 5 5 ज़ा 25. ओके, 5 7 ज़ा 35. 35 इंटू 2 कितना हो गया आपका 70. ओके, प्लस करवा दो 9 4 7 5 12. 1 कैरी 2 प्लस 1 3. नेक्स्ट वन सपोज आप ले लो कुछ भी ले लो, 90 2 का स्क्वायर निकालना है. ओके, मैंने आपको बताया था 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 आएगा, तो आप 4 नहीं लिखोगे 0 4 लिखोगे. 9 9 ज़ा 81. ओके, 9 2 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36. आप इसे प्लस करवा देंगे, 4 6 3 प्लस 1 4 और 8. ओके, ये बहुत इजी ट्रिक्स है, इससे आप विद इन अ सेकेंड में आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो.